सो आईआरबी बोलता है कि दोनों करेंसी के इंटरेस्ट रेट्स में, दोनों कंट्री के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है वो एडजस्ट हो जाना चाहिए, किसमें? फॉरवर्ड रेट्स. वो अगर एडजस्टेड नहीं है तो होगा क्या? आर्बिट्रेज. तो देयर इज अ फ्रिक्शन. सिमिलरली पीपीबी ये बोलता है कि दोनों कंट्री के जो इन्फ्लेशन में डिफरेंस है वो एडजस्ट हो जाना चाहिए करेंसी में, वो नहीं हो रहा है तो देयर इज अ डिफरेंस टू मेक मनी, राइट. अब ये पीपल विल मेक मनी, यस, बिकॉज देयर विल बी डिफरेंस, बट द डिफरेंस विल नॉट बी देयर फॉर एवर, बिकॉज आर्बिट्रेज विल इंश्योर दैट देयर इज नो डिस्पैरिटी. एवरीवन, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अपन ने क्या पढ़ा? आईआरबी और पीपीबी कम्स टू प्ले. मतलब वो क्या हो जाता है कि एक्सचेंज रेट्स विल डिटरमाइन व्हाट शुड बी इट एज पर आईआरबी और पीपीबी. बराबर एवरीवन, ये दोनों चीज समझा. अब मैं एक चीज कराने जा रहा हूं जहां पे कोई समझ तो ज्यादा है नहीं, बट इट्स अ रिमार्केबल कॉन्सेप्ट. एंड उसके लिए जरा जो आपने इंडिविजुअली आईआरबी के बारे में पढ़ा या इंडिविजुअली जो पीपीबी के बारे में पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज कराना जरूरी था. आगे जरा बोर्ड पे ध्यान दो एवरीवन. अच्छा, आज मैं बैंक एफडीज में इन्वेस्टमेंट करूं, बराबर है, जो अपन ने पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में भी देखा था. सो समझो मेरी इंडिया में मेरे को बैंक्स ऑफर कर रही है 10% इंटरेस्ट रेट्स, मतलब मार्केट में जो रिस्क फ्री रेट है, रिस्क फ्री रेट है 10% है, राइट. अच्छा, क्या होगा? ये पूरा 10% मेरे पास आ जाएगा, राइट. नहीं, मेरे को पता, अगर बैंक 100 रुपए का 110 दे रही है एक साल के एंड पे, तो एक साल के एंड पे तो वैसे ही चीजों का दाम भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. सो मेरी बैंक मुझे 10% देती है इंटरेस्ट रेट, बट इन्फ्लेशन अगर मैं काटू, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो वो काट के तो मेरे हाथ में कुछ बचता नहीं है, बहुत मामूली सा चीज बचता है. सो इन्फ्लेशन एक तरीके से एक ऐसा टैक्स है जो आपके पैसे को खाता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये जब अपन ने डिस्कशन किया था पोर्टफोलियो में, ये सब मैं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि मेरे को फ्यूचर में कुछ नीड है, गोल्स है मेरे. वो फ्यूचर में जो गोल्स है, समझो आज आप अपना सेविंग 100 रुपीज का बेस है, जो अपना गोल है फ्यूचर में वो भी 100 रुपी का है. समझ लो जैसे कि मेरे को आगे जाके कार लेना है, वो भी 100 रुपी का है, या मेरे को अब्रॉड हॉलीडे पे जाना है, वो भी आज 100 रुपी का है. एक साल के लिए मैं सेविंग कर रहा हूँ 10% पे, वो तो 110 रुपया हो जाएगा, लेकिन वो जो चीज खरीदने जाने वाला हो या लेने वाला हो एक साल बाद, उसका भी इन्फ्लेशन की वजह से भाव बढ़ जाएगा. आज अगर मैं एवरेज इन्फ्लेशन इंडिया में ले लूं जो 7% के करीब है, तो उसका भी 107 का कीमत हो जाएगा. बेसिकली जहां पे मैं सोच रहा था कि मैं 10 रुपए आगे हो जाऊंगा वो एसेट में, वो एक्चुअली नेट कितना आगे हो रहा हूं? सिर्फ 3 रुपए, क्योंकि 7 रुपया मेरा कौन खा रहा है? इन्फ्लेशन. सो बेसिकली आपको जो रिटर्न आने वाला है बैंक से, वो 10% जरूर आएगा, लेकिन उसमें से अगर मैं इन्फ्लेशन को हटा दूं तो मेरे जेब में नेट बचेगा 3% ही. एवरीवन, ये सिर्फ इंडिया में ऐसा किस्सा तो है नहीं, पूरी दुनिया भर में एवरीवन, राइट. सो यूएस में भी, यूएसए में भी जो बंदा वहां पे बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर उसको 4% मिल रहा है एवरीवन, और वहां पे भी समझो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन समझो वहां पे भी 1% है, तो वहां पे भी वो बंदे के पास 3% नेट आ रहा है. अब क्या है ये 10%? ये 10% जो रेट है वो रिस्क फ्री रेट है मेरी इकोनॉमी का, उसके अंदर इन्फ्लेशन मिला हुआ है या इन्फ्लेशन एडजस्टेड 10% है? मतलब इज इट नेट और ग्रॉस? इट्स ग्रॉस, राइट. दैट इंटरेस्ट रेट विच इज रिस्क फ्री रेट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. और मैंने उसमें से माइनस क्या किया? इन्फ्लेशन. तब जाके जो रेट अपन अर्न करते हैं उसको बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट्स. एवरीवन, सो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं अच्छे से सुनना. इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये बोलता है कि दोनों के कंट्री के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस रहेगा वो करेंसी में एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा आईआरपी ने बताया. परचेजिंग पावर पैरिटी ने यह बोला कि दोनों कंट्री के जो इन्फ्लेशन में डिफरेंस होगा वो एडजस्ट हो जाएगा करेंसी में, राइट. ये पीपीपी ने बोला. And then came this economist called Fisher, जिसने क्या बताया कि दोनों कंट्री के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है, दोनों कंट्री के नॉमिनल रेट में जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है दोनों कंट्री के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में जो 6% का डिफरेंस है, वो केवल मात्र ओनली किसकी वजह से? क्योंकि उन दोनों के इन्फ्लेशन में इतना डिफरेंस है. एवरीवन,
आज इंडिया में यूएस के मुकाबले अगर इंटरेस्ट रेट 6% ज्यादा है तो क्यों है? क्योंकि इंडिया में यूएस के मुकाबले इन्फ्लेशन 6% ज्यादा। यहां पे आया फिशर जिसने कनेक्ट किया आईआरपी और पीपीपी को। सो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, क्या बोलता है फिशर? फिशर ये बोलता है कि द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है दोनों कंट्री के, दैट इज इक्वल टू और बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज। Hence, what should be equal between two countries is not the nominal rate, but the real interest rates. So, real interest rates across economies should be same. ऐसा बोलता है Fisher equation. Fisher क्या बोलता है? अगर real interest rate में difference है ना, तो arbitrage होता है. Nominal में interest rate की वजह से नहीं. क्योंकि nominal interest rate में जो difference है, वो क्यों है? क्योंकि उन दोनों के inflation की वजह से. So, nominal को एडजस्ट करने के बाद जो नेट हाथ में आता है वो अगर दो इकोनॉमी में अलग है तो उधर से इधर इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अब इसको जरा मैं प्रूव करता हूं। सो व्हाट इज एज पर फिशर ने क्या बताया? दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। एवरीवन, जो 10% है वो दो चीज से बना हुआ है, क्या 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 क्या? रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन। नाउ दिस इज द सेम केस नॉट ओनली इन इंडिया, बट वो बोल रहे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज रियल प्लस इन्फ्लेशन। एवरीवन, सो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और यूएस का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इन्फ्लेशन। एवरीवन, अब देयरफॉर रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? यहां पे आई कैन से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यहां पे अगर मैं रियल इंटरेस्ट रेट पे आओ तो रियल रेट ऑफ इंडिया विल बी व्हाट? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। सेम विल बी द केस रियल रेट ऑफ यूएसए विल बी नॉमिनल रेट ऑफ यूएसए माइनस इन्फ्लेशन ऑफ यूएसए। एंड देन व्हाट फिशर टेल्स दैट अक्रॉस इकोनॉमीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रियल इंटरेस्ट रेट्स शुड बी सेम, नहीं तो आर्बिट्रेज होगा। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अलग है इसकी वजह से आर्बिट्रेज नहीं होता है, रियल इंटरेस्ट रेट अलग है इसकी वजह से होता है, बिकॉज दैट इज अ रियल पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सो रियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर दो कंट्री में अलग होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे बोरिंग लैंडिंग होगा। एवरीवन, अब इस उसके अजम्पशन की वजह से, विच इज अ वेरी मच नेचुरल अजम्पशन एंड वेरी मच लॉजिकल, उसकी वजह से क्या होता है? नॉमिनल रेट ऑफ इंडिया माइनस इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इक्वल्स टू नॉमिनल रेट ऑफ यूएसए माइनस इन्फ्लेशन ऑफ यूएसए। एवरीवन, राइट। देयरफॉर मैं थोड़ा मैथमेटिकल शिफ्टिंग करूं तो नॉमिनल रेट ऑफ इंडिया माइनस नॉमिनल रेट ऑफ यूएसए, इसको उधर लेके जाता हूं, इक्वल्स टू इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया माइनस इन्फ्लेशन ऑफ यूएसए। This is what Fisher is trying to prove, that the difference in the nominal rates of both the economies is equal to the difference in inflation of both the economies. Everyone. So, IRP ने ये बोला कि दोनों कंट्री के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है वो करेंसी में फैक्टर हो जाना चाहिए, और परचेसिंग पावर पैरिटी ने बोला कि दोनों के इन्फ्लेशन में जो डिफरेंस है वो किस में फैक्टर हो जाना चाहिए? करेंसी में फैक्टर होना चाहिए। और फिशर ने अपने को क्या बताया कि दोनों कंट्री के जो आईआरपी इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ पीपीपी, जो दोनों कंट्री के इन्फ्लेशन में डिफरेंस है। एवरीवन, बेसिकली मैं आईआरपी पढ़ू या पीपीपी पढ़ू कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईआरपी में जो डिफरेंस है वो उतना ही है जितना दोनों कंट्री के इन्फ्लेशन में डिफरेंस है। Everyone, right? तो अब अगर मैं इधर से कोई मेरे को बोलेगा सर वो ब्राजील में इन्वेस्टमेंट करो वहां पे 25% इंटरेस्ट रेट से, तो मैं क्या बोलूंगा? रियल इंटरेस्ट रेट कितना? वो तो ग्रॉस है, पोस्ट टैक्स रिटर्न देखते हैं अपन। वैसे मैं बोलूंगा कि पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न कितना है, तो अगर मेरे को पता चला ब्राजील में इन्फ्लेशन ही 24% है तो मैं क्या बोलूंगा? आएगा 1%। तो सामने वाला बोलेगा क्यों सर 24% को क्यों देख रहे? क्योंकि मैं बोल रहा हूं इन्फ्लेशन 24% है ना, तो उतने से करेंसी भी तो डेप्रिशिएट होगा। मेरे हाथ में क्या आएगा? 25% मैं कमाऊंगा, लेकिन जिसका इन्फ्लेशन ज्यादा वो उतने से आगे जाके डिस्काउंट, तो उतना तो मेरा करेंसी में चले जाएगा, नेट मेरे हाथ में 1% आएगा। अब वो 1% नेट तो मेरे को यूएसए भी मिल रहा है, इंडिया से भी मिल रहा है, तो मैं ब्राजील में क्यों जाऊं?
अंडरस्टूड. सो मैं किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज के बाद इंटरेस्ट रेट को देख कर नहीं जाऊंगा, जो नॉमिनल है. मैं किसको देख के जाऊंगा, रियल इंटरेस्ट रेट क्या है. सो आज जो पूरी दुनिया भर की बैंक में मेरे को रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिख रहा है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो लोग बोलते हैं ना मार्केट में, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 8% है, बैंक FD 8% है, वो रियल है या नॉमिनल? वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है. उसमें से आप अपने लगता हुआ इन्फ्लेशन निकालोगे तो आपके हाथ में रियल कुछ आएगा. अब ये जो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट देता है वो WPI या CPI देता है, होलसेल या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. वो तो पूरी इकोनॉमी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है इन्फ्लेशन अराउंड 6-7% है, वो तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन निकालता है. बट एक्चुअली अपने लिए इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो चीज के लिए आप सेविंग कर रहे हो. मतलब मैं सेविंग कर रहा हूँ मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए. अब मुझे पता है इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस तो 20-20% से बढ़ रहे हैं. मैं कर रहा हूँ सेविंग हाउसिंग के लिए जिसमें प्रॉपर्टी का प्राइसेस 20-20% से बढ़ रहा है, एडुकेशन के लिए जिसमें 25-30% से बढ़ रहा है. तो मेरे लिए इन्फ्लेशन वो है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए. उतना तो कोई रिटर्न दे ही नहीं रहा है कोई एसेट, वन एंड ओनली वन इक्विटीज. इसीलिए जो भी लोग इंडिया में FD में, इंश्योरेंस पॉलिसी में, पेंशन में, ये सब में डालते हैं, उनको नॉमिनल रिटर्न आता है 7-8%, लेकिन रियल रिटर्न 0, क्योंकि उससे ज्यादा इंडिया में इन्फ्लेशन है. देयर इज ओनली वन एसेट विच हैज गिवन रिटर्न्स एग्जैक्टली इक्वल टू इन्फ्लेशन विच इज कॉल्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, दैट इज गोल्ड. गोल्ड इज द ओनली एसेट विच इज अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बढ़ता है गोल्ड का भाव बढ़ता है, इन्फ्लेशन गिरता है गोल्ड का भाव गिरता है. एंड देर इज ओनली वन एसेट विच हैज कंसिस्टेंटली आउटबीटन इन्फ्लेशन, दैट इज इक्विटीज. तो आपको इन्फ्लेशन जितना रिटर्न कमाना है, जहां पे रियल रिटर्न क्या रहेगा, 0, तो गोल्ड है. इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाना है, जहां पे रियल रिटर्न पॉजिटिव है, तो इक्विटीज है. लेकिन इन्फ्लेशन से कम कमाना है तो है आपके पास गाउटी इलाज, बैंक FD, इंश्योरेंस, किसान विकास पत्रिका है, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, जहां पे पैसा डालो ब्लॉक हो जाओ और आपको रियल रिटर्न कुछ नहीं आएगा, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, एवरीवन. राइट, दैट्स व्हाट द फैक्टर्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, लेट अस अंडरस्टैंड पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट फिशर मेंट, एवरीवन. राइट, आ जाओ जरा, फिशर इफेक्ट. एवरीवन, मिला क्या फिशर इफेक्ट? अबे जिधर खत्म हुआ उसके बाद, जिधर खत्म हुआ नहीं पता है क्या, मतलब रिवीजन नहीं किया हो तुम? नहीं, आप पकड़े गए. फिशर इफेक्ट क्या है? फिशर इफेक्ट वहां पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन. वहां पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है एवरीवन? रिस्क फ्री रेट. हाईलाइट करो, आपको एग्जाम में कोई ये बता के नहीं आएगा कि ये नॉमिनल रेट है. बैंक बोले अपने को क्वेश्चन में बताया जाएगा रिस्क फ्री रेट इन इंडिया इज 10%, तो क्या है वो? नॉमिनल है. सबसे पहले अपन पढ़ते इन्फ्लेशन और रियल रेट क्या चीज होता है एक्चुअली. एवरीवन, अच्छा सो एक पॉइंट समझो कि रियल रेट और इन्फ्लेशन अपन पूरी इकोनॉमी का समझ रहे हैं. रियल रेट इज द रियल रिटर्न ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी रियल पोटेंशियल कितना है. अब इकोनॉमी लास्ट ईयर 2.3 trillion का था, ये साल 2.5 trillion का हो गया. तो ये 0.2 trillion जो पड़ा है वो किस रीजन से पड़ा है? बिकॉज ऑफ जेन्युइन आउटपुट इंक्रीज हुआ है इसके लिए, या फिर ना क्या बोल रहे हो, वो अपने को पता किधर है उधर, या फिर प्राइस राइज की वजह से. मतलब लास्ट ईयर अगर ये बॉटल 100 रुपए का था, आज 120 रुपए का हो गया, तो सेल्स मेरे को 120 दिखेगा, बट वो 20 रुपए डिमांड एक्स्ट्रा है उसकी वजह से नहीं, शायद ओनली बिकॉज की परचेसिंग पावर डिप्लीट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है. तो मेरे को ये जानना जरूरी है कि जो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है वो एक्चुअल ग्रोथ है या इन्फ्लेशन की वजह से. सो व्हाट इज रियल ग्रोथ रेट? रियल ग्रोथ रेट इज अ ग्रोथ रेट विदाउट इन्फ्लेशन. एवरीवन, so what is real growth rate everyone? The real interest rate is determined by the productivity of the economy. Productivity matlab everyone, GDP. अब आपको जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है GDP का डेटा, लास्ट ईयर से लेके ये साल इंडिया का GDP 7.2% बढ़ गया ये क्वार्टरली,
तो ये 7.2% जो गवर्नमेंट देता है कि जीडीपी ग्रोथ हुआ, वो रियल है या नॉमिनल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि हमारा जीडीपी 7.2% से बड़ा, वी हैव ओवरटेकन चाइना. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट अ गुड थिंग बैड थिंग? अगर आपका जीडीपी चाइना से ज्यादा फास्ट भाग रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? सो नाउ विथ जीडीपी यू वॉन्ट टू ग्रो, रियल और नॉमिनल? एवरीवन, विथ जीडीपी डू यू वॉन्ट टू ग्रो, रियल और नॉमिनल? रियल नेट, राइट? सो गवर्नमेंट भी जो डेटा पब्लिश करता है वो रियल जीडीपी का करता है. समझ में भी आ रहा है क्या एवरीवन? सो कल जब आपको बोले अरे जीडीपी इंडिया का कितना बड़ा, तो आप बोलोगे रियल बेसिस पे 7.2%, नॉमिनल बेसिस पे प्लस 7% इन्फ्लेशन, 14-15% से ग्रो कर रहा है इंडियन इकोनॉमी. समझ में आ रहा है क्या? वैसे आप देखोगे ना, दोनों इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी सेम रेट से ग्रो कर रहा है नॉमिनल बेसिस पे. अपने को जरूरत क्या है पता है? इन्फ्लेशन कम करने की. वो लोग का इन्फ्लेशन थोड़ा कम ही है, सो इसीलिए उनका ग्रोथ रेट ज्यादा दिख रहा है. कौन सा? रियल वाला. नॉमिनल की बात नहीं कर रहा हूं. नॉमिनल लेवल पे तो ब्राजील ग्रो करता रहेगा 80% पे, बट उसमें 75% शायद इन्फ्लेशन होगा, ब्राजील वेनेजुएला, बट उसमें 70% इन्फ्लेशन होगा. तो मेरे को तो देखना है कि रियल रेट पे कितना ग्रोथ हो रहा है. तो व्हाट इज द करेक्ट मेजर ऑफ यू नो इवैल्यूएटिंग कंट्रीज, हाउ बेटर दे आर ग्रोइंग, इज नॉट बाय द नॉमिनल रेट बट बाय द रियल रेट्स. हेंस व्हाट डेटा गवर्नमेंट पब्लिशेस अबाउट द जीडीपी इज द नॉमिनल या रियल? रियल रेट. तो रियल रेट पे इंडियन जीडीपी प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं? एवरीवन, राइट? So, the real rate is determined by the productivity in the economy and the risk commensurated by the risk of borrowers, which is called risk premium or credit or default risk. Everyone, अच्छे से सुनो. आप अगर मेरे को पैसा दोगे, मेरे पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, मेरी इकोनॉमी पे अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो दो चीज आप देख रहे हो. फर्स्ट, वॉट इज द पोटेंशियल ऑफ आई जनरेटिंग returns? Along with that, even if I may have good potential, but you'll also see my credibility, right? आप किसी को lend करते हो, तो अपन ने bonds में पढ़ा है, आप दोनों चीज consider करते हो, क्या क्या क्या? Ability and willingness. Everyone, मेरे में potential बहुत ज्यादा है, but मेरी नियति सही नहीं है तो, everyone. और दूसरा, मेरी नियत बहुत अच्छी है, but मेरे पास कोई potential ही नहीं है तो, you will consider both while lending someone. So, आज जब FII इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो देख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कितने से परफॉर्म करेगी, समझ लो 5%, 6%, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का क्रेडिट रिस्क कितना है, वो कहां से पता चलेगा मेरे को? क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इकोनॉमी. जैसे S&P, मूडीज, फिच, ये लोग क्रेडिट रेटिंग करते गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, तो उधर से मेरे को पता चलेगा इंडियन इकोनॉमी का क्रेडिट रिस्क कितना है, उसके बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी में कितना एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलना चाहिए रिटर्न्स. एवरीवन, वो दोनों कंसीडर करके कोई बंदा मेरे में इन्वेस्टमेंट करेगा. 10% से समझो FII ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको कितना चाहिए? मिनिमम 10%. अब उसको पता है 10% तो मैं कमा लूंगा, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा और करेंसी डेप्रिशिएट हो गया तो उसको उसका भी प्रोटेक्शन चाहिए. अब करेंसी डेप्रिशिएट क्यों होगा? इन्फ्लेशन की वजह से. तो इन्फ्लेशन का उसको 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो टोटल रिटर्न उसको इंडिया में से कितना चाहिए? 15% का. उसमें से 10 रियल रेट, 5 इन्फ्लेशन का. एवरीवन, अब एक्चुअली इसको 15 मिलेगा, लेकिन 5 करेंसी में डिस्काउंट हो जाएगा, नेट उसके हाथ में 10 आ जाएगा. अब ये 10 अगर उसको चाइना से 11 मिल रहा है, तो वो चाइना में जाएगा. उसको अपनी इकोनॉमी में नेट 10 मिल रहा है, तो उधर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उधर तो उसको ये करेंसी का लफड़ा ही नहीं है. सो अगर FIIs इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसीलिए नहीं क्योंकि इंडिया का बैंक FD का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है कंपेयर टू US, बट इसके लिए क्योंकि इंडिया रियल रेट शायद ज्यादा कमा रहा है. अंडरस्टूड एवरीवन, राइट? ठीक है, चलो. सो वहां पे पार्ट वन अपन ने रियल इंटरेस्ट रेट पढ़ा. पार्ट टू, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन प्रीमियम इज अ फैक्टर सफिशियंट टू कॉम्पेंसेट द इन्वेस्टर फॉर एन एक्सपेक्टेड लॉस इन परचेसिंग पावर. वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया, व्हेन वी लेंड मनी टू समवन, वी कंसीडर, जो भी मैंने डिस्कशन किया, अबिलिटी. अब इकोनॉमी का अबिलिटी क्या है? उसका प्रोडक्टिविटी या GDP? और क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी मतलब इकोनॉमी पे कर पाएगा कि नहीं. जैसे एवरीवन, अर्जेंटीना, ब्राजील, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, ये सब ऑल मैंने बताया था क्लास में, फुटबॉल प्लेइंग नेशंस. प्रॉब्लम क्या है? दे आर अनेबल टू सर्विस देयर डेट.
Now, Argentina and Lionel Messi may be very good in terms of playing football, but they were not able to pay debt. So, इसीलिए जब Argentina का president और उसमें बहुत substantial debt था US companies का, तो इसीलिए जब Argentina का president went to US for a conference, the borrowers from US seized his plane. कि पैसा दो हमारा पहले, तुम्हारे को plane नहीं देंगे वापस. So, वो खुद से फिर गया वापस. ये सब हुआ. और फिर next time when he came to US, he hired plane on rent of US companies. ऐसा सब, मतलब ये हालत है वहाँ पे कि government debt नहीं pay कर पा रहा है. ऐसा है, समझ रहे हो क्या? चलो आगे. So ability and credibility of the borrower to pay back, this is called risk premium, and together with inflation forms nominal rate of interest. क्या बताता है Fisher outcome? अपन ने जो भी discussion किया, Fisher effect states that over a longer period of time, the real interest rates across the economies are equalized through arbitrage. कौन सा interest rate? Nominal नहीं, real interest rate क्या हो जाएगा? Arbitrage match कर डालेगा. Hence, the real interest rates should be in difference across the globe over a longer period of time. This concludes that in an open, जो अपने discussion किया था, free economy, globalized economy, in an open or free economy, it should follow that nominal interest rate difference between the two economies, everyone highlight karna wo, nominal interest rate difference between the two economy, kiski wajah se hona chahiye? Should be equal to the inflation difference between the two economies, everyone. Achha, to aaj India mein repo rate agar 6% hai, और यूएस में रेपो रेट समझ लो 1% है, तो इंडिया में 5% इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंडिया में रिलेटिवली यूएस के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन 5% ज्यादा. ये आईआरबीपी और पीपीपी का कनेक्शन जो फिशर बता रहा है, एवरीवन समझ रहा है क्या? राइट राइट.